हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस टीआरसी टेक। तो चलिए आज हम आपको एक इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड में किस तरह इसको डायग्नोस करते हैं और क्या क्या फॉल्ट हैं, ये इसमें वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जो 41 की सीरीज है उसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, DG41WV, ठीक है। ये ओरिजिनल इंटेल मदरबोर्ड होता है जिसमें DDR3 रैम लगती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दोस्तों, इसमें भी जो पर्टिकुलर रैम है वो ही सपोर्ट करती है, अदरवाइज रैम इसमें सपोर्ट कम करती हैं, तो वो मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये PCI एनालाइजर कार्ड होता है, कुछ डायग्नोस्टिक कार्ड भी बोलते हैं कुछ लोग। तो चलिए चेक कर लेते हैं पैनल से, यहाँ से ऑन करके हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 2F कंटिन्यू डेटा बन चुका है और रैम की बीप आ रही है, ठीक है। ये देखें आप, सुने, ओके। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखें ये 10600 DDR3 रैम है। पहले मैं इसको चेक करूँगा, यहाँ से पैनल से शॉर्ट करके ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हैं इसमें रैम सपोर्ट नहीं है, 2F आ रहा है। तो टाइम ख़राब ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें या तो आपकी 10600CL वाली रैम चलती है या आपका 1333 चलेगी, ओके। आप यहाँ पे देखें डायरेक्टली, चलिए आपको एक बार 12800 भी चेक करा देता हूँ, ठीक है। 12800 आप देख रहे हैं 4GB DDR3 रैम है, ओके। ऐसा रखना फोकस इधर। तो चलिए दोस्तों, 12800 भी आपको मैं चेक करा देता हूँ, ठीक है। और देखिए दूसरे स्लॉट में भी चेक करा देता हूँ, कभी कभी हमारा एक रैम स्लॉट नॉट वर्किंग कंडीशन में होता है। और रैम की ये जो दो लॉक हैं ये प्रॉपर क्लिप होने चाहिए, तभी आपकी रैम प्रॉपर लगी हुई होती है, ओके। आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो देखिए वही डेटा है सेम, कोई भी डेटा में अपडेटिंग नहीं हुई है और ना ही कोई चेंजेज आए हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखिए मैं आपको 1333 रैम दिखाता हूँ लगा के। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1333, ओके। आप इधर भी देख सकते हैं, थोड़ा देखिए जूम हो जाएगा, हाँ ओके। तो चलिए चेक करा देता हूँ, तो आप देख रहे हैं डेटा आगे बढ़ चुका है, 28 से 5150 EB आ गया है, और डिस्प्ले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले भी आपका आ चुका है। अब बारी आती है इसका USB, क्योंकि देखिए दोस्तों डिस्प्ले से मदरबोर्ड ओके नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि VGA से आउटपुट है, आपका LAN पोर्ट वर्किंग है, या आपका USB भी कंपलसरी चलना चाहिए, ओके। तो अब देखेंगे आप, मैं USB यहाँ पे लगा रहा हूँ और कीबोर्ड यहाँ पे ना तो नंबर लॉक आगे बढ़ रहा है और ना ही ये देखें आगे बढ़ रहा है। तो चलिए 3.0 पोर्ट भी चेक कर लेता हूँ, इसमें कोई भी पोर्ट हमारा नॉट वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो यानी कि नॉट वर्किंग कंडीशन में है, ओके। तो दोस्तों इसमें आप जो प्रॉब्लम है वो है BIOS से रिलेटेड। हमारे पास देखिए स्टॉक में कई सारे मदरबोर्ड आए हैं, ओके। ये देखिए हमारे बॉक्स में मदरबोर्ड है। तो सबसे पहले हम, यदि हमारे पास नहीं होता है मदरबोर्ड, तो हम इंटरनेट से जाके फाइल कॉपी करके BIOS bin फाइल को डाउनलोड करके तब सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लेते हैं। तो हम आपका टाइम बचाने के लिए, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे BIOS एक दूसरे मदरबोर्ड से निकाल ली है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर आपको प्रॉपर मैं चेक करा देता हूँ, यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। यहाँ पे आप देखेंगे यदि मैं इसका BIOS खोलूँगा तो BIOS में ये हमारा मदर जो कीबोर्ड है ये वर्क करेगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टक हो गया, एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ उसको,
और इसका F2 से BIOS खुलता है, इधर तो F2 से देखिए BIOS खुलता है। और यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ पे डिसेबल जो होता है USB, आप सेटिंग में जा करके यहाँ पे आप देखेंगे एंटर मारेंगे USB, और यहाँ पे जो ये पोर्ट आ रहे हैं USB पोर्ट अनेबल और USB लीगेसी डिसेबल, इसको यहाँ पे हम एंटर करके अनेबल कर सकते हैं, ओके, और F10 करके सेव कर लेते हैं, ओके। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे बूट फेलियर यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हमारा जो USB है, आप देख रहे हैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा है दोस्तों, ओके, USB यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे USB वर्क नहीं कर रहा है, दूसरा पोर्ट चेंज कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे USB पोर्ट नहीं काम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों BIOS से रिलेटेड होती है, वो मैं आपको अभी एकदम लाइव दिखाऊंगा इसमें, ठीक है, तो आप वीडियो से बने रहें। तो सबसे पहले हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, तो चलिए दोस्तों मैंने एक दूसरे मदरबोर्ड से, मैंने जैसा आपको दिखाया है हमारे पास इसका स्टॉक था, तो एक बार मैं इसकी BIOS को चेंज कर लेता हूँ, ओके। BIOS का निकालने का भी मेथड होता है दोस्तों, ये पिनें डैमेज नहीं होनी चाहिए, आप इस तरह BIOS को निकाल लेंगे, ओके। तो अभी हमारे पास यहाँ दूसरी BIOS रखी थी, इसको हम यहाँ से लगा लेंगे, और लगाने का भी तरीका होता है, यहाँ पे देखिए BIOS में कट होता है, ठीक है, ये वाला कट, तो ये वाला कट आप इस जो BIOS में आप देख रहे हैं ये वाला कट उस साइड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, आराम से हम BIOS को लगा लेते हैं, ठीक है। BIOS लगाने का भी मैं तरीका आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ होता है उसी साइड से पॉइंट को मैच करते हैं और तब BIOS लगाते हैं। तो चलिए एक बार फिर ऑन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आप देखेंगे ये, जी दिखा रहा हूँ, तो अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कीबोर्ड जो वर्किंग कंडीशन में है, और पोर्ट चेंज कर लेता हूँ, पोर्ट चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, ये वाला यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, और आप देखेंगे अभी भी हमारा यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जब केवल बूट ऑप्शन में यानी कि BIOS सेटअप में आपका कीबोर्ड वर्किंग हो, और विंडो पर या बूट होने के बाद आपका कीबोर्ड नॉट वर्किंग कंडीशन में हो कोई भी पोर्ट, तो आप समझिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो BIOS से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आप BIOS से कॉपी कर सकते हैं, और कोई दूसरा सेम मदरबोर्ड हो तो आप वहाँ से अपनी BIOS चेंज कर सकते हैं, और यदि आपको वहाँ से BIOS नहीं मिलती है तो गूगल पे जाके आप मॉडल नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं। यदि आपको BIOS नहीं मिलती है तो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं लिख करके मॉडल नंबर मदरबोर्ड का, हम आपको लिंक उस BIOS का प्रोवाइड करा देंगे, और आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे टेक्निकल फॉल्ट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।